काशीपुर में रहने वाली एक युवती को तीन तलाक का डर सता रहा है। पीड़िता ने कोतवाली में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि पीड़िता ने इससे पहले भी महिला हेल्पलाइन काशीपुर में दहेज उत्पीड़न की एक लिखित तहरीर दी थी, जो कि इस समय विचाराधीन है। तीन तलाक के डर से भयभीत युवती ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। लाइव उत्तराखंड के लिए काशीपुर से सोनू जैन की रिपोर्ट। मेरा निकाह 9 तारीख 3 महीने में 2018 में राहत अली के साथ हुआ था। वो राया मतारा संभल में रहते हैं। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे जलाने की धमकी दी, मुझसे दहेज मांगते थे। फिर उसके बाद में पंचायत भी हुई, तो पंचायत में मुझसे कहा गया, तो मैं वहाँ पर रहने गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी मांग जारी रखी, मेरे साथ में कुकर्म करने की कोशिश करते थे मेरे ससुर। फिर मैंने वहाँ रहने से मना कर दिया, तो वो यहाँ आकर रह रहे थे। उसके बाद में वो यहाँ से भाग गए। फिर उन्होंने हम पे रखा कि मेरे बेटे को तुमने मार दिया, इल्ज़ाम। फिर उसके एक महीने बाद में उन्होंने नोटिस भेजा है, जिसमें वो मुझे तलाक दे रहे हैं। पुलिस वगैरह में गए हैं आप? पुलिस वगैरह में गए हैं, देखो सुनवाई होती है या नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं? मैं सजा दिलाना चाहती हूँ उन्हें। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।